माफिया अतीक अहमद के होश उड़े हुए हैं। यूपी में डर लग रहा है, जेल में खौफ है, रास्ते में दहशत है। यानी जो अतीक कभी डर का दूसरा नाम था, वो अपनी जान और खानदान को लेकर गिड़गिड़ा रहा है। कह रहा है कि अब तो मिट्टी में मिल गए हैं, अब मत रखो। परिवार के लिए भीख मांग रहा है और इसी अतीक की थोड़ी देर बाद प्रयागराज कोर्ट में पेशी है। आज सुबह अतीक इस कदर परेशान हुआ कि उसका बीपी हाई हो गया। प्रयागराज में जो जिस जेल में उसे रखा गया है, वहां से कोर्ट तक सख्त सुरक्षा की गई है और उसे उमेश पाल हत्याकांड में पेश किया जाना है। कल ही उसे साबरमती जेल से लाया गया। अब यूपी के मंत्री भी कह रहे हैं कि कानून के राज में अतीक को मिट्टी में मिला दिया गया। कहा कि अपराधी पाताल से भी खोज कर लाए जाएंगे। अतीक अहमद डर में है, डर का या दिखावा कर रहा है या फिर कोई नया दांव चल रहा है। प्रयागराज के सफर में यूपी का माफिया बार बार खुद को बेकसूर बता रहा है और परिवार को परेशान नहीं करने की अपील कर रहा है। अतीक का खौफ और डर देखिए इस बातचीत में। अतीक, अतीक आप ये बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो कौन मिट्टी में मिला रहा है? मिट्टी में हम बोल रहे हैं कि मिल गए। नहीं तो मिला कौन रहा है मिट्टी में? मिट्टी में मिल गए। मिला कौन रहा है? आप ये बार बार बोल रहे हैं अतीक, मिट्टी में कौन मिला रहा है अतीक? अब क्या होगा, अब आगे क्या हो गया, क्या आशंका है आपको? अतीक 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 डर रहा अतीक कहाँ है? डर लग रहा है क्या? क्या होगा आगे? डर लग रहा है अतीक कहाँ हो? अतीक आज तक पर आप लाइव है, क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे जेल से आपने प्लानिंग करी, आप लाइव है, क्या बोलना चाहते हैं? जेल से प्लानिंग करी अतीक? प्लानिंग में शामिल थे क्या? नहीं, कोई जेल से प्लानिंग नहीं कर सकता। शाइस्ता ने फोन किया था आपको, जेल में बताया था पूरे कांड के बारे में? अरे वो निर्दोष घरेलू महिला है, उसको आप लोग क्यों मचाते हैं? और असद ने हत्याकांड को अंजाम दिया, कहा है, कोई जानकारी है आपको? मैं जेल में हूँ, मुझे इतनी जानकारी है। अतीक अतीक तुमने साजिश रची थी, अतीक तुमने जेल से बैठ के साजिश रची थी? नहीं, जेल से साजिश रची थी। देवरिया जेल से तो बुलवाया था। कैसे नहीं हो सकती साजिश? अतीक तो अतीक तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ फरार है तुम्हारी? अरे यार मैं जेल में हूँ, कहाँ बताऊँ पत्नी कहाँ है? समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं नैनी जेल में के बाहर, वो यहाँ मौजूद हैं। अरविंद ओझा कोर्ट में जहां पर अब से थोड़ी देर में अतीक को ले जाना है, वहां पर मौजूद है। समर्थ आपके, आप जहां मौजूद हैं नैनी जेल के बाहर, किस तरीके की हलचल है? अतीक बीपी हाई की बात कर रहा था, तबियत तो उसकी ठीक है? जो तय समय था 11 बजे का, उसी समय उसको ले जाया जाएगा कोर्ट? अर्पिता, जिस तरह से हलचल यहाँ जेल में बढ़ गई है, माना जा सकता है कि अगले कुछ मिनटों में काफिला निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले अतीक का भाई अशरफ निकलेगा और उसके बाद अतीक अहमद निकलेगा, क्योंकि जो वज्र वाहन है वो अशरफ की बैराग के पास पहुंच गया है और पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ प्रमाइसिस पर लगना शुरू हो गई हैं। तस्वीरें अगर आप देखेंगी यहाँ से, आपको पहले मैं ये गाड़ी दिखाऊंगा जो आगे खड़ी है, ये गाड़ी अभी कुछ क्षण पहले यहाँ पर नहीं थी। तो जो फोर्स है वो एक्टिवेट हो गई है, अलर्ट हो गई, जो पुलिस चौकी है जेल के बाहर वो एक्टिवेट हो गई है और ये जो वज्र वाहन है वो पीछे के रास्ते गया हुआ है, यानी कि अशरफ के बैराग के करीब गया हुआ है जहां पर अशरफ को वहां बैठाया जाएगा। और पहले जितनी जानकारी हम लोग को मिल पा रही है, सबसे पहले वज्र वाहन निकलेगा जिसमें अशरफ सवार होगा और उसके कुछ देर बाद अतीक अहमद को लेकर दूसरा वज्र वाहन सीजेएम कोर्ट की तरफ जाएगा। पर जिस तरह से यहां पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है, सारी फोर्स अलर्ट पर है और ये वो वाहन जो आपको दिखा रहा हूं, पहला और दूसरा जो पूरी फ्लीट के साथ लगातार चलता है, यानी कि जो कॉन्वॉय साबरमती से आ रहा था उसके आगे भी ये गाड़ियां लगातार चल रही थी और यहां भी आपको ये गाड़ियां खड़ी नजर आएंगी। जब काफिला यहां से निकलेगा तो ये माना जा सकता है कि ये दो वो गाड़ियां हैं जो काफिले में आपको आगे नजर आएंगी। इसको लेकर जो उच्च अधिकारी हैं जेल के वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और जो मेडिकल वगैरह है वो सारी फॉर्मेलिटीज पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और आज पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि जो रिमांड है वो पुलिस को हासिल हो पाए। अब ये देखना होगा कि ये रिमांड 14 दिन की मिलती है या 1 हफ्ते की मिलती है, पर फिलहाल यहां नैनी जेल जो है वहां सिक्योरिटी बढ़ गई है और आप मान सकते हैं कि अगले
5 से 10 मिनट के अंदर फिलहाल अशरफ को यहां से निकाले जाने की तैयारी है, क्योंकि जितने उच्च अधिकारी हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और जो बैराग जहां पर अशरफ है वहां के करीब ये वज्र वाहन पहुंच चुका है। इससे पहले जब आपको मैंने तस्वीर दिखाई थी तो वज्र वाहन ठीक उस पार था और इस बीच में वहां का गेट खुलता है और वज्र वाहन चलते आता है और बैराग जहां पर अशरफ है वहां के करीब पहुंचता है। तो यह माना जा सकता है कि पहले अशरफ को निकालेंगे और उसके कुछ देर बाद अतीक को निकालेंगे। मोटे तौर पर 11:15 या 11 बजे तक ये दोनों ही जो है वो पहुंच जाएंगे सीजेएम कोर्ट में, जहां पर पुलिस आज कोशिश करेगी कि उनको रिमांड मिल पाए।